गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे गामा फलन की एक्सरसाइज फर्स्ट ए पर। उसमें से क्वेश्चन देखना, सभी क्वेश्चन आसान है, कोई क्वेश्चन नहीं हो तो पूछ सकते हैं, हम वीडियो में बता देंगे अगली में। अब हम आगे बढ़ते हैं बीटा फलन पर, ठीक है। अब है हमारा कौन सा फलन? बीटा फलन। पहले हमारा गामा फलन था, अब है बीटा फलन। बीटा फलन को हम बी से निरूपित करेंगे, ठीक है, कैपिटल बी से। तो बीटा फलन क्या होगा? एम तथा एन के धनमानों के लिए समाकलन। समाकलन कौन सा? 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है? एन माइनस वन, और डीएक्स को हम क्या कहते हैं? को बीटा फलन कहते हैं। को हिंदी में लिख लेते हैं, बीटा फलन कहते हैं। इसको हम किससे निरूपित करते हैं? इसको बी एम एन से निरूपित करते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं? बी एम एन से। तो हमारा बी एम एन किसके बराबर हो गया? बी एम एन किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी? एन माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या? बी एम एन, यानी कि बीटा एम एन, ठीक है। अब इसके कुछ गुण हैं, बीटा फलन के गुण। बीटा फलन के गुण क्या हैं? कि जो बीटा एम एन होता है वही बराबर होता है बीटा एन एम के। ये हमारा पहला गुण है। बीटा एम एन लिखें या बीटा एन एम लिखें, बात एक ही है, ठीक है। वो दोनों के मान कैसे होते हैं? बराबर। सेकंड गुण क्या होता है? कि जो बीटा एम एन का फॉर्मूला है वो ये भी है, 0 to ∞ एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। हमारा ये फॉर्मूला भी है और ये वाला फॉर्मूला भी है बीटा एम एन का, ठीक है। गुण है, ये प्रूफ करके आता है, तो फिलहाल तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है इसको। नेक्स्ट गुण क्या होता है? नेक्स्ट है बीटा और गामा फलन में संबंध। बीटा और गामा फलन में संबंध। बीटा और गामा फलन में संबंध क्या होता है? कि जो बीटा एम एन होता है वही बराबर होता है गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, ठीक है। याद करें, बहुत बार आता है ये एक नंबर में कि बीटा एम एन का मान क्या होता है गामा एम। बीटा और गामा फलन में संबंध क्या होता है? तो बीटा एम एन बराबर क्या होता है? गामा एन बटे एन गामा एम प्लस एन, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा आयलर फलनिक समीकरण। नेक्स्ट क्या होता है? एक हमारा आयलर फलनिक समीकरण। आयलर फलनिक समीकरण क्या है? याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गामा एन गामा वन माइनस एन बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है गामा एन गामा वन माइनस एन बराबर क्या होता है? पाई अपॉन साइन एन पाई। नेक्स्ट हमारा एक गुण और है जिसको आयलर फलनिक समीकरण में लिख सकते हैं। एक हमारा समाकलन है वन से इन्फिनिटी। शायद इसमें गलत लिखा हुआ है और देखते हैं। जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन बटे वन प्लस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई,
ठीक है, ये समाकलन का हमें सूत्र याद रखना है। वो इसमें एक नंबर में पूछ सकता है कि 0 to ∞ एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एन गामा वन माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम एक फॉर्मूला और है हमारे पास में, लेजेंडर गामा फलन। कौन सा है? लेजेंडर गामा फलन द्विगुणन सूत्र, इसको हम कहते हैं द्विगुणन सूत्र। क्या है ये? कि गामा एम और गामा एम प्लस वन बाई टू ये बराबर होता है अंडर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एम माइनस वन और गामा टू एम। एक आध क्वेश्चन में इसका उपयोग है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। ये कौन सा है? एक नंबर में पूछा जाता है गामा एम प्लस वन बाई टू की वैल्यू क्या है, अंडर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एम माइनस वन गामा टू एम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में दो सूत्र और हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। दो सूत्र क्या हैं कि 0 to ∞ एक्स की पावर एम माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स और कॉस बी एक्स डी एक्स ये बराबर होता है गामा एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बाई टू और कॉस एम थीटा। 0 to ∞ एक्स की पावर एम माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स और क्या है, साइन बी एक्स और डी एक्स। यहाँ साइन हो तो क्या होगा, वही तरीका गामा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बटे दो और यहाँ पे अब की बार क्या आ जाएगा, साइन एम थीटा। जहाँ थीटा क्या होता है हमारा, जहाँ थीटा दिया जाता है किससे, थीटा बराबर है टेन इनवर्स ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी याद कर लेना। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखना करके, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसका अलवर 18 में आया हुआ है एग्जाम्पल वन। क्या है एग्जाम्पल वन, देखते हैं उसे। एग्जाम्पल वन क्या, एग्जाम्पल वन गामा निकालनी है वैल्यू माइनस वन बाई टू की, गामा माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये आया है अलवर में 2018 में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि गामा एन गामा वन माइनस एन बराबर होता है कितना, पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, ऐसा होता, हमने फॉर्मूला लिखा था ये अभी। तो एन की जगह हम लिख रहे हैं क्या, माइनस वन बाई टू। हमें गामा माइनस वन बाई टू चाहिए, तो एन की जगह माइनस वन बाई टू लिख दें। एन बराबर माइनस वन बाई टू रखने पर, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस वन बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर गामा क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा। एन की जगह माइनस वन बाई टू रखेंगे तो माइनस और है इसमें पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर पाई अपॉन साइन एन की जगह क्या लिख रहे हैं, माइनस वन बाई टू और पाई बाहर है। तो गामा माइनस वन बाई टू जैसे तैसे, गामा दो एकम दो एक तीन बटे दो हो गया ये, और पाई अपॉन साइन में यदि माइनस आता है तो आगे आ जाता है, तो साइन में क्या रह जाएगा, पाई बटे दो, पाई का गुणा एक में कर दें, पाई बटे दो। ठीक है, तो गामा माइनस वन बाई टू जैसे तैसे, गामा थ्री बाई टू की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हम बता चुके हैं पहले, वन बाई टू और अंडर रूट पाई, इसमें से एक कम करेंगे वन बाई टू, फिर वन बाई टू जैसे ही आ जाए तैसे अंडर रूट पाई लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के पाई अपॉन साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है,
तो ये कितना हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ से ये सब हटाने पड़ेंगे, तो गामा माइनस वन बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू पाई अपॉन अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई नीचे आ जाएगा तो रूट पाई से रूट पाई बार कट जाएगा तो माइनस टू अंडर रूट पाई आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल इसी में वन में बी और सी उनको देखना करके। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें से हम एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू क्या है, एग्जाम्पल टू तुम लोग करना, हम एग्जाम्पल फोर ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल थ्री, थ्री भी हो जाएगा आसान सा है, एग्जाम्पल फोर ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल फोर क्या है, जीरो से टू और एक्स और एट माइनस एक्स क्यूब की पावर है वन बाई थ्री डी एक्स। ठीक है, इसको हमें हल करके सिद्ध करना है कि ये 16π/9 अंडर रूट थ्री है, तो हम इसकी LHS लेंगे। तो i बराबर क्या हो गया हमारा, 0 से 2 x और 8 माइनस क्या x क्यूब की पावर 1/3 dx। अब इसमें x की जगह क्या लिख दें, x जगह ऐसा ले लें कि 8 हर बार हट जाए, x की जगह ले लेते हैं 2 और कोई t, वो घात 3 खत्म हो जाए, उसके लिए हम इसकी पावर ले लेते हैं 1/3। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा और इसका क्यूब करेंगे तो 3 हट जाएगा हमारा, केवल t रह जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, dx की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1/3, दो तो है ही, x की पावर n से इसका अवकलन कर रहे हैं 1/3, t की पावर इसमें से एक कम कर दें 1/3 − 1, फिर t का करेंगे क्या हो जाएगा dt, तो हमारी dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 और t की पावर कितनी, −2/3 हो जाएगी, 3 × 3 −2/3 हो जाएगी और dt। ठीक है, तो इसमें रख रहे हैं तो इसलिए हमारा आई क्या हो जाएगा बताओ, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो टी का मान 0 ही आएगा, एक्स जगह 2 रखेंगे तो टी का मान 1 आएगा, तो 0 से 1 तो लिमिट हो जाएंगी। फिर एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, 2t/1/2, फिर 8 माइनस एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, ये 2t/1/3 की घात कितनी 3 और इसकी होल पावर कितनी है 1/3। फिर dx की वैल्यू 2/3, t की पावर −2/3 और dt। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 3, तो 4/3 तो आ जाएगा, आगे लिमिट हो गई 0 से 1। यहाँ t की पावर 1/3 और t की पावर −2/3 है, तो t की पावर कितनी बच गई, −1/3 बच गई। ये क्या रह जाएगा अंदर, 8 माइनस इसका होल क्यूब करेंगे तो 8t हो जाएगा और इसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है, और dt हम 2/3 ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं इसके साथ में, तो ये रह जाएगा 4/3, 8 को बाहर ले रहे हैं, ऊपर से घात 3 आएगी तो 8 की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा 0 से 1, t की पावर −1/3 और 1 − t की पावर क्या रह जाएगी 1/3 और dt। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, तो 4/3, 8 की घात 1/3 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 से 1 t, इसे क्या लिखेंगे बताओ, इसको −1/3 हमें लाना है, −1/3 लाने के लिए इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1, हमें चाहिए −1/3, 1 − 2/3 लिख सकते हैं क्या इसको, या 2/3 − 1, 2/3 − 1 लिख सकते हैं इसको, और 1 − t इसे क्या लिख सकते हैं, हमें माइनस का 1 चाहिए इसमें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसा है x^(m−1) और 1 − x^(n−1), तो इसे क्या लिख सकते हैं, −1 करें तो कितना लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 4/3, देख रहे 4/3 में से एक घटा दें तो 1/3 ही रह जाएगा और dt। अब ये हमारा m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है,
तो ये हो गया हमारा 8/3। अगले पेज में देखते हैं इसको क्या आएगा। अगले पेज में ये आ जाएगा 8/3 और 0 से 1, टी की घात 2/3 -1 और 1 - t की घात कितनी, 4/3 -1 और dt। ठीक है, तो ये हो गया 8/3। ये हो गया हमारा बी 2/3 और 4/3। ठीक है, देखना ऐसा हो जाएगा, ये हमारा बी कितना हो जाएगा, 2/3 और 4/3। ये एम और एन का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बी एम एन है वो याद होना चाहिए 0 to 1, और क्या है x की पावर m-1 और 1 - x की पावर क्या है n-1 dx। ठीक है, तो क्या आएगा फिर ये 8/3। अब बी एम एन का हमारा फॉर्मूला है, बी एम एन गामा में चेंज करने का, क्या होता है ये गामा कितना, गामा m/गामा n / गामा m+n। ठीक है, ऐसा होता है ये फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा ये γ 2/3 γ 4/3 γ 2/3 + 4/3। तो कितना हो जाएगा ये 8/3 γ 2/3। 2/3 को कैसे लिख लें, 2/3 को हम 2/3 ही रहने देते हैं, तो क्या रह जाएगा ये 2/3 गामा। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 + 1 बटे नीचे कितना हो जाएगा गामा, ये 6/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा ये 8/3 γ 2/3 × ये हो जाएगा 1/3 γ 1/3। याद हो तो गामा एन प्लस वन की वैल्यू क्या होती है, एन गामा एन होती है, उस सूत्र से ये एन का काम कर रहा है 1/3 γ 1/3। बटे नीचे 3 का भाग लगा दो, 6 में क्या रह जाएगा, 2 बार चला जाएगा ये गामा, 2 रह जाएगा, तो ये 3 इसी के साथ में आ जाएगा, ऊपर वाले का बटे नीचे आ जाता है, तो ये 8/9 हो जाएगा और γ 2/3 और गामा कितना 1/3। ठीक है, अब देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, 8/9 γ 2/3 और γ 1 - 2/3 लिख सकते हैं क्या इसको। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, γ 1 - n, तो ये होता है π/sin(n π)। तो ये हो जाएगा 8/9 और कितना, ये हो जाएगा कितना बताओ, π/sin(n), n की जगह 2/3 काम कर रहा है और पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1/3 है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/9 पाई, ये हो जाएगा साइन कितना, π - π/3 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8/9 π/sin π - π/3, ये हो जाएगा sin π/3, सेकंड में चला गया ये 180 θ, पाई का मतलब 180 θ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9 π sin π/3 यानी sin 60 होता है इसका मान, तो ये हो जाएगा 8/9 π sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान बताओ क्या होता है, √3/2, √3/2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × π × 2/ कितना 9√3। अब क्या करेंगे इसमें, 8 × 2 = 16 π हो जाएगा, 16π/9√3, और यही हमारी क्या है RHS। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो तुम लोग देखना इसमें से ज़्यादा करके जितने भी कर सकें, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं बढ़िया बढ़िया जो कि आए हुए हैं, एग्जाम्पल तो सभी करना, क्वेश्चन वही कर लेना जो कभी ना कभी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आए हो, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आए हो वो क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम्पल तो सभी करने हैं, एग्जाम्पल भी वो छोड़ सकते हैं जो कभी नहीं आए हो, लेकिन इसमें सारे एग्जाम्पल आए हुए हैं, क्वेश्चन वही कर लेना जो आए हुए हों किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, वही क्वेश्चन आते जाते रहते हैं,
और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करके ही पूछ सकते हैं। और करेंगे तो ही पूछेंगे, नहीं करेंगे तो मैं कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं, करेंगे तो ही प्रॉब्लम आएगी। तो करके देखना और प्रॉब्लम पूछना।